हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक। और जो मेगा कॉन्टेस्ट हमने पिछले वीक किया था ऑर्गेनाइज, उसकी बहुत अच्छी सक्सेस रेट रही। संदीप रमाना जी ने जीता है रेड डाइस का मांबा इंग्लिश विलो बैट। ये कल यहाँ से डिस्पैच हो रहा है। संदीप जी को एक बार फिर हमारी तरफ से, टीम रेड डाइस से, एंथम स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीक का एक कॉन्टेस्ट आएगा, उसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। बट ये जो सारे वीडियोस हैं, ये एक एड ऑन चीज है। बेसिक जो इस वीडियो बनाने का या इस चैनल का जो मोटिव है, वो है आप सबकी नॉलेज को वहां तक पहुंचाना, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचाना जो कि डायरेक्ट फैक्ट्री से निकलती है, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से जनरेट होती है। उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना, ये हमारा विजन है, इस चैनल का विजन है। आप अवेयर हो सकें, क्योंकि हम सब लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। तो हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी एज रिगार्ड टू हैंडल्स। तो उसके दो एपिसोड्स में मैं बता चुका हूं वेरियस टाइप ऑफ हैंडल्स। केन हैंडल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, फोर पीस केन हैंडल है, मल्टी पीसेस केन हैंडल्स हैं। ये सारी की डिटेलिंग मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ तरह के और हैंडल्स हैं, उसकी डिटेलिंग मैं आपको आने वाले वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। अब क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो मैंने चार पांच तरह के हैंडल बताए हैं आपको, फोर पीस केन हैंडल, सिक्स पीस, नाइन पीस, 12 पीस, 16 पीसेस, इसमें से सबसे अच्छा कौन है? भाई, ये सारे हैंडल्स अच्छे हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे। मल्टी पीसेस जो हैंडल था, ये पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, बट अब पिछले कुछ सालों में बैट का वेट का कंस्ट्रेंट बहुत हो गया है। लोग लाइट वेट बैट प्रेफर करते हैं, और जितने भी ये मल्टी स्टिक केन हैंडल्स हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता था, तो इसलिए ये धीरे धीरे फैशन से आउट हो गए हैं। बाकी क्या अच्छा है क्या खराब है, ये आप मैन्युफैक्चरर के ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट आपको देते हैं, उसकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी हमारी हो जाती है आपको एक अच्छी चीज देने की। सो आप ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ओरिजिनल चीज बाय कीजिए, और मेकर को उसके हिसाब से काम करने दीजिए। आप अपना सिर्फ वेट और बैलेंस चेक कीजिए और बैट पिक कीजिए। आगे इसको बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि टेनिस बैट में कौन से हैंडल यूज होते हैं। देखिए, टेनिस बैट में बहुत सी कंफ्यूजन है लोगों को। टेनिस क्रिकेट जो है, ये बहुत ही फास्ट क्रिकेट है और इसमें टाइमिंग का कोई रोल नहीं है। टेनिस क्रिकेट के लिए आपको जान चाहिए। टेनिस क्रिकेट बहुत फास्ट है और ये जान की गेम है। इसके लिए बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, मैं ये कहता हूं कि बैट के हैंडल में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बैट का हैंडल हार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए टेनिस बैट जो बनाने वाली कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, बैट, अब देखो ट्रेंड तो केन हैंडल का है। आप जाते हो, आप ऊपर से तीन रबड़ देखते हो, दो रबड़ देखते हो, बैट परचेज करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये फिक्स बैठा हुआ है कि तीन रबड़ होंगे, चार रबड़ होंगे, केन हैंडल होगा, तो ही वो बेटर क्वालिटी का हैंडल है। कई एक्सटेंड तक ठीक भी है, बट कंपनी के ऊपर प्रेशर है अच्छा बैट देने के लिए। तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अगर तीन रबड़ डालते हैं या एक रबड़ डालते हैं, हम टेनिस में जो भी केन यूज करते हैं, वो असॉर्ट करके हार्ड हार्ड कम फ्लेक्सिबल जो केन है, वो टेनिस बैट में यूज होते हैं, सो दैट कि वो अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे सके। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज सेमी केन हैंडल भी यूज करती हैं। जैसे बाहर केन लगा दिया, और ये दो पीस वुड के हैं, ये भी कोई सस्ता वुड नहीं है, ये पर्शियन स्पीशीज ऑफ वुड है, ये पर्शियन लैक होती है वुड। इससे क्या होता है कि आपको लुक्स में जो दिखता केन है, बट हमें हैंडल में हार्डनेस देनी है। अगर हम फुल केन पूरा फ्लेक्सिबल डाल देंगे, तो टेनिस बैट परफॉर्म नहीं करेगा। अब देखो, बड़े से बड़े ब्रांडों ने सिंगल रबर डाली होती है, क्यों? क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए। तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ कंपनीज वुड डाल देती हैं, कोई हर्ज नहीं है टेनिस बैट के लिए। हाउएवर, वुडन हैंडल या सेमी केन हैंडल लेदर बॉल के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपके हाथों के ऊपर जर्क फील होगा। सो टेनिस बैट में कोई भी हैंडल, एक रबड़ वाला है, दो रबड़ वाला है, वुडन सेमी केन हैंडल है, वो भी अल्टीमेटली वर्क करेगा।
तो ये जो टेनिस बैट का हैंडल मैंने आपको बता दिया, सेमी केन हैंडल। सेमी केन हैंडल में क्या होता है, बाहर केन होता है, अंदर बहुत ही अच्छी किस्म की वुड होती है, सो दैट कि हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे। और फिर जो चौथी और लास्ट किस्म का हैंडल है वो होता है ऑल वुडन हैंडल। ऑल वुडन हैंडल क्या होता है कि इसके चारों पीसेस जो होते हैं वो वुड के ही होते हैं। हमें पर्पस सॉल्व करना है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देनी है हैंडल में। आप देखो महाराष्ट्र में, गुजरात में बॉक्स क्रिकेट होती है, उसमें मेनली जो भी हैंडल लगा होता है ये वुडन हैंडल लगा होता है, इक्वली गुड परफॉर्म करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कि केन हैंडल हो या ना हो, टेनिस बैट जोर की गेम है, आपके दम पे खेली जाएगी। तो ये हैंडल की जितनी भी स्पीशीज थी मैं आपको बता चुका हूं। अब हैंडल की, जैसे बैट की प्रोफाइल होती है वैसे हैंडल की भी प्रोफाइल होती है। आमतौर पे जनरली दो तरह के, या कह लो तीन तरह के हैंडल होते हैं। ये है बिल्कुल राउंड प्रोफाइल, ये देखिए ये बिल्कुल राउंड है। फिर दूसरी होती है सेमी ओवल। सेमी ओवल क्या है कि ये नीचे से, ये देखिए ये ओवल शेप होती है, ये देखिए ये ओवल शेप है नीचे से, और ऊपर से ये प्रॉपर राउंड है, ये सेमी ओवल हैंडल होता है। ये देखिए यहां से ये चपटा है और ऊपर से ये गोल है, ये सेमी ओवल प्रोफाइल होती है। फुल ओवल भी होती है, वो थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक चपटा ही हैंडल होता है। बट ओवल और सेमी ओवल हमारे इंडिया में कम यूज होती है। अब ओवल का ट्रेंड, सेमी ओवल का ट्रेंड चला है, लोग यूज करते हैं। तो जो भी प्लेयर्स, जो भी यूज करने वाले ओवल या सेमी ओवल हैंडल प्रेफर करते हैं, मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि देखिए ये जो ओवल हैंडल है ना, इसके रबड़ के ऊपर ज्यादा केन चढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू राउंड में। तो जो भी आप सेमी ओवल या ओवल बैट लें, उसकी नॉकिंग के ऊपर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, सो दैट कि इसका हैंडल थोड़ा सा टाइम लेता है टोन अप होने में, बट ज्यादा टाइम लगेगा तो ये हैंडल ऑटोमेटिकली टोन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बैट का ये शेप या ओवल हैंडल में कोई कमी है या कोई खराबी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंट तरह के, तीन तरह के हैंडल की प्रोफाइल आज तक यूज की जा रही है। राउंड, जैसा मैंने आपको बता दिया ये राउंड है, ओवल और सेमी ओवल मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत से गिमिक भी हैं, बहुत से ऑनलाइन वाले ब्रांड हैं वो स्क्वायर शेप भी प्रमोट कर रहे हैं और बिक रही है। क्यों, ऑनलाइन और प्रमोशन के ऊपर इतना डिपेंड हो गया है आजकल की इंडस्ट्री की, जितना अच्छा प्रमोट कर लो चाहे वो गलत ही है वो भी बिकना शुरू हो जाता है। बट एनीवेज सभी को मार्केट में रहने का हक है, सभी को अपनी चीज को प्रमोट करने का हक है। आप हमें गाइड कीजिए कि इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप अपनी नॉलेज जो आपके दिमाग में है हमारे साथ शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाएं। लास्ट कॉन्टेस्ट का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, और अब बारी है बाई वीकली कॉन्टेस्ट की। आपको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट एंट्री भेजनी है 2 सितंबर तक, हम विनर को डिक्लेयर करेंगे 4 सितंबर के वीडियो में। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अपने फ्रेंड्स को आगे वीडियो भेजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सो दैट कि सबको मौका मिल सके इस वीडियो में बताए हुए कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का। तो ये कॉन्टेस्ट नंबर 4 होगा हमारा, और इसका क्वेश्चन है कि आपको गैस करना है उस इंडियन प्लेयर का नाम जिसने कि टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक की थी। यू नीड टू गैस द नेम ऑफ प्लेयर हु बोल्ड द फर्स्ट हैट्रिक फ्रॉम इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। तो आपको अपनी एंट्रीज भेजनी है 2 सितंबर तक, विनर हम डिक्लेयर करेंगे 4 सितंबर की वीडियो में। आप सबको भेजिए, ये एक इंजॉयमेंट के लिए वीडियो है, ये इसमें कुछ भी कमर्शियली इन्वॉल्व नहीं है, ये एक जस्ट फन से एक वीडियो है। आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए, सभी इन्वॉल्व हों और सभी पार्टिसिपेट करें। आपका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, हमारी साइट के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारी साइट में कि लोग सीओडी एक्सपेक्ट करते हैं, लोग रिटर्न पॉलिसी के ऊपर हमसे पूछते हैं, तो फिलहाल हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है।
रेड एस आपको देता है कस्टमाइज बैट के ऊपर नेम लिखने की फैसिलिटी, आप अपना नाम नंबर उसके ऊपर लिखवा सकते हैं। तो उसी के चक्कर में हम रिटर्न पॉलिसी हमारी कुछ नहीं हो सकती, ये एक ड्रॉबैक है। बट जो लोग भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो एक एंथम की लेगेसी को, एंथम की क्रेडिबिलिटी को जानते हैं, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सीओडी भी इसी चीज को हम प्रमोट करते हैं कि बहुत से बच्चे हैं शरारती होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बैट मंगा लेते हैं, बाद में वापस कर देते हैं, कस्टमाइज नाम लिखा हुआ होता है, हम वापस कैसे करें। तो ये थोड़ा सा आप कोप अप कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए मैं फिर से थैंक करना चाहूंगा। हम ट्राई करेंगे कुछ नया लेके आए हमारी वेबसाइट में, आप वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए, बहुत प्रोडक्ट रेंज अच्छी है, और भी ऐड होने वाली है। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम लिंक पे जाइए उसको फॉलो कीजिए। ये सारे क्राइटेरिया जब आप पूरे कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।